आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारी अच्छाइयों के बारे में, क्वालिटीज के बारे में जो कि एक उस इंसान में पाई जाती है जो कि अकेले रहता है, खुद से बातें करता है, खुद में ही रहता है, दुनियादारी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे कुछ खास ज़्यादा मतलब होता नहीं है। तो अगर आप भी ऐसे व्यक्तियों में आते हो जो कि कम बोलता है, खुद में रहता है, अकेले अकेले रहता है, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए और उससे पहले वीडियो को कर देना चाहिए लाइक, क्योंकि आज मैं आपके बारे में ही बताने वाला हूं तो आपको लाइक करना तो बनता है। सबसे पहली चीज आपके अंदर जो बहुत खास बात होती है वो ये कि आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं या कहना चाहिए इनडिपेंडेंट होते हैं। देखो जितना ज़्यादा हम दुनिया में रहेंगे ना उतना ही ज़्यादा हमें दुनिया बना के चलनी पड़ेगी। क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर तो मैं एक दो दोस्तों में रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा मतलब नहीं होगा बनाने के लिए, ठीक है, बैलेंस मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, क्योंकि दो ही तीन तो दोस्त हैं, कितने ही बुरा मान जाएंगे, एक ही तो मानेगा बुरा, मना लेंगे ना। लेकिन अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, ग्रुप बहुत बड़ा है, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि लोग बुरा मान जाएं, कभी ये बुरा मानेगा कभी वो बुरा मानेगा, इसको मनाने के लिए कुछ कहोगे तो वो वाला बुरा मान जाएगा, उसको मनाने के लिए कुछ कहोगे तो दो बंदे और बुरा मान जाएंगे, तीन को मनाओगे कल को चौथा बुरा मान जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मनाने पड़ता रहेगा और फिर आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, डिपेंडेंट हो जाओगे सामने वाले पे, फिर आप वो चीजें करोगे जो कि सामने वाले इंसान को अच्छी लगती हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या चाहते हो उससे ज्यादा मतलब आपको होगा नहीं। तो आप मुझे ये बताओ कि लाइफ किसकी है, आपकी है, डिपेंड किस पे होना चाहिए, अपने आप पे होना चाहिए कि लोगों पे, अपने आप पे होना चाहिए, खुश किसको रहना है, पहले तुम्हें या सामने वाले को रखना है, पहले तुम्हें खुश रहना चाहिए। अगर तुम ही खुश नहीं रहोगे अपनी लाइफ को एंजॉय करते टाइम तो दुनिया में रहकर मतलब ही क्या है, लाइफ को जी ही क्यों रहे हो यार। तो हो गया ना बहुत बड़ा फायदा। तो अगर आप अकेले रहते हो, खुद में रहते हो, कम बोलते हो तो डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर कल को आपको कोई कहे कि अरे तू इंट्रोवर्ट है, तेरे को देश दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, अरे तेरे बस की कुछ भी नहीं है, तेरे को कोई लाइक नहीं करता, तो आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो जहाँ तक बात है देश दुनिया का पता नहीं है तो ऑब्वियसली आपको देश दुनिया का पता होना चाहिए, लेकिन देश दुनिया का पता होना क्या इसी चीज़ से डिसाइड होगा कि आप कितना ज़्यादा लोगों में रह रहे हो, कितना ज़्यादा फैशन को फॉलो कर रहे हो, इतना ज्यादा कूल डूज बन रहे हो? नहीं, इससे नहीं फर्क पड़ता यार। देश दुनिया का पता लगाना है आपको तो अकेले रह के पता लगा लो, और ज्यादातर देश दुनिया का उसी को ही पता होता है जो कि अकेले रहता है, एकांत में रहता है, जो कि देश दुनिया को ऑब्जर्व कर पाता है, जो वहीं पर रह रहा है, वहीं पर खिचड़ी पका रहा है, उसको क्या ही पता चलेगा भाई। तो ऐसे में पता नहीं चलता, जो कहते हैं ना कि एम्पायर को पता होता है कि कहां पर लगी है बॉल, बाकी तो सब फील्डिंग में लगे हुए हैं, कोई बैटिंग में लगा हुआ है, कोई बॉलिंग में लगा हुआ है, तो ऑब्जर्व वही कर सकता है जो कि खाली बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप हो एम्पायर, वो खेल रहे हैं, खेलने दो, कोई आउट हो रहा है, कोई किसी को चोट लग रही है, कोई कुछ कर रहा है, हमें उससे क्या ही मतलब है। दूसरा पॉइंट है कि आप अपने खुद के बॉस बन जाओगे, जिसको कहते हैं ना अपने मर्जी का मालिक होना, मर्जी आपकी चलेगी, मालिक आप होगे, अधिकार आपके जिंदगी में आप ही का होगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना सब आपको ही पता होगा और आपको ही करना, आपको ज्यादा दुनिया से मतलब नहीं होगा। देखो कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, अब दो पहलू होते हैं ना सिक्के के, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अकेले रहोगे तो सारे फायदे आपको मिल जाएंगे, मुसीबतें कहां आएंगी कि कई बार आपको लगेगा कि आप लाइफ में अकेले रह चुके हो, आपके साथ कोई है नहीं, कोई होता जो आपको प्यार करता, जो आपके साथ रहता, कई बार आपको मोटिवेट करता, कई बार आप उसको मोटिवेट करते, तो ऐसे में क्या होता है ना कि ज्यादा पूरा गुच्छा लेकर चलने की जरूरत थोड़ी है, एक दो इंसान काफी होते हैं। और जब मैं बात कर रहा हूं अकेले रहने का, तो ऐसा नहीं है ना कि तुम अकेले ही रहोगे, अकेले ही थोड़ी तुम जिंदगी में जी लोगे, अकेले से मेरा मतलब है कि हां एक दो दोस्त हैं, एक भी दोस्त है तो भी बहुत है, अगर वो भी नहीं है तो तुम अकेले भी बहुत हो, इतना भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक दो दोस्त होने चाहिए, ठीक है, थोड़ा सही रहता है यार, अकेले कहाँ तक जी लोगे। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप चार चार पांच पांच दस दस लोगों से दोस्ती कर रहे हो, जिससे बात करो उसे दोस्ती करना जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं होता है। एक्सट्रोवर्ट में रहना इतना कोई बड़ा काम तुम नहीं कर रहे हो अगर तुम एक्सट्रोवर्ट हो, तो इंट्रोवर्ट रहना बहुत सही होता है, जो इंट्रोवर्ट है ना भाई उसको अलग ही आनंद आता है जिंदगी का। तो आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आप खुद के जिंदगी के मालिक हो, आप खुद पर अधिकार रखते हो, सुबह कब उठना है वो मुझे पता है। अब एग्जांपल ले लो कि भाई अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो सुबह उठ के मैसेज भी तो कर रहा है ना गुड मॉर्निंग का, नहीं तो बुरा नहीं मान जाएगी, लेकिन अगर मैं सिंगल हूं तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, जस्ट एग्जांपल दे रहा था, इसका भी एक अलग ही मजा होता है। बट कहने का मतलब मेरा यही है कि जितने ज्यादा आप लोगों से मिलते रहेंगे, जितना ज्यादा दोस्ती बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा लोगों पर डिपेंडेंट होगे, उतना ही ज्यादा तुम उनके अनुसार अपनी जिंदगी को जीने लग जाओगे, मजा तुम नहीं ले पाओगे अपनी लाइफ का, जो कि शायद मुझे लगता है अच्छी चीज नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और थर्ड और आखिरी पॉइंट है, जो लोग अकेले रहते हैं वो अपनी जिंदगी पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं, अपने लाइफ पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं,
ऑब्वियस ही चीज़ है ना, अगर मैं दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, खुद के लिए काम कर रहा हूँ, खुद की खुशी के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, टाइम पास करना नहीं है किसी से, बकचोदी फालतू की चीज़ें करनी ही नहीं किसी से, तो क्या फ़र्क पड़ता है भैया, अपने अनुसार ज़िंदगी को जिएंगे, टाइम ही टाइम है, जो करना होगा वो करेंगे, लाइफ पर फोकस्ड रहेंगे, वही चीज़ें करेंगे जो लाइफ में हमें सक्सेसफुल बनाएंगी, आगे लेकर जाएंगी, लोगों से हमें इतना मतलब है नहीं। और अगर आपके पास हैं बहुत सारे दोस्त तो आप इसी चक्कर में फंसे रह जाएंगे कि कौन कब गप्पे मारने के लिए बुला रहा है, कौन बुला रहा है कब पीने के लिए, समझ लेना मेरी बात। तो अकेले रहेंगे, खुश रहेंगे, एकांत में रहेंगे, खुश रहेंगे। बट मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ अकेले रहो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने घर वालों को भी छोड़ दिया, एक दो जो दोस्त थे उनको भी छोड़ दिया, भैया सबको छोड़ दिया और बोल रहे हो कि अब मैं सन्यासी बन जाऊँगा, अकेले रहूँगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। एक दो दोस्त भी होने चाहिए बात बात करने के लिए, मन लगा रहता है, और एक दो दोस्त के साथ कोई एक खास इंसान मिल जाए तो और भी अच्छी चीज़ है, मन लगा रहता है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं होना है। जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर आपको उसके लिए एक पे करनी पड़ रही है अपनी पूरी लाइफ, अपने पूरे मज़े, अपनी पूरी क्या कहते हैं उसको फ्रीडम, तो फिर वो चीज़ सही नहीं है। उतना ही आपको अपनी ज़िंदगी में किसी को आने देना चाहिए कि जब वो जाए तो आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। अगर आपको लगता है अगर वो मुझे छोड़कर चला गया तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, तो आप एक गलत व्यक्ति के साथ हैं। तो ठीक है, अकेले रहो, एक दो दोस्तों के साथ रहो, मन लगा रहता है, और उसके बाद परिवार वालों के भी साथ रहो भाई, घर वालों ने तुम्हें रखा है इतने दिनों से, तो थोड़ा उनके साथ रहो यार, उनको टाइम दो, है ना। दोस्ती यारों में क्या हो गया कि हम दोस्ती यारे में इतना ज़्यादा खो गए कि घर वालों पर ध्यान देते ही नहीं है। पैसा कमाओ, दोस्ती यारी रखो, लेकिन घर वालों पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहा करो, मजा आता रहेगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है कि अकेले रहने में ज्यादा फायदा है, या फायदा तब है जब आप बहुत सारे लोगों में रहते हो, ऐश करते हो, जिंदगी के मजे लेते हो, जो कि टिपिकली बोला गया ना कि मजे तो उसी में है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।